हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल आज्ञाकारी फैक्ट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के ऐसे राज्य के बारे में जहां के लोग अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया भी यहीं पर मौजूद है। यहाँ पर खाने पीने के मामले में रसगुल्ला सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसे यहाँ के लोग अपनी भाषा में रसोगुल्ला बोलते हैं। और मछली के बिना तो खाना यहाँ पर अधूरा माना जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में एक, पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल का अपना अलग इतिहास रहा है। आज हम आपको पश्चिम बंगाल के कुछ शानदार फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। भारत के पूर्व दिशा में स्थित पश्चिम बंगाल की संस्कृति, सभ्यता, पहनावा, खानपान और भाषा से कोई अनजान नहीं है। पश्चिम बंगाल के लोग दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। इसके बावजूद वे अपनी मातृभूमि से जुड़ी परंपराओं का पालन करते हैं। आजादी से पहले अंग्रेजी शासनकाल के दौरान साल 1911 तक कलकत्ता भारत की राजधानी रही थी। इसके बाद अंग्रेजों ने दिल्ली को देश की राजधानी बना दिया था। पश्चिम बंगाल में स्थित हावड़ा रेलवे स्टेशन देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यह देश के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है। इसके अलावा ये दुनिया के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में भी शुमार है। हावड़ा रेलवे स्टेशन में कुल 23 प्लेटफॉर्म हैं, जहां से रोजाना 600 पैसेंजर ट्रेनें गुजरती हैं। बंगाल का हावड़ा ब्रिज विश्व का सबसे व्यस्त कैंटिलीवर ब्रिज है। इस ब्रिज से रोजाना तकरीबन 1,00,000 गाड़ियां गुजरती हैं। वाहनों के अलावा ये ब्रिज पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। इस ब्रिज को रोजाना करीब 1.5 लाख लोग पार करते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग शहर चाय के बागान के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भारत में 25% चाय का उत्पादन यहां से किया जाता है। हसीन वादियों से घिरा यह शहर लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। हर साल यहां लाखों पर्यटक चाय के बागान की सैर करने आते हैं। चाय के बागानों के तो क्या ही कहने, हर तरफ हरियाली और चाय की पत्तियों की महक आपको एहसास दिला रही होती है कि आप प्रकृति की गोद में हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, देश के नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन और मदर टेरेसा की कर्मभूमि बंगाल ही थी। देश की सबसे पहले मेट्रो रेल बंगाल की राजधानी कोलकाता में चली। यह शहर ट्राम, ट्रेन और हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। कोलकाता में स्थित ईडन गार्डन्स लंबे समय तक देश का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड रहा। अहमदाबाद में बने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद यह पहले स्थान से खिसक कर दूसरे स्थान पर आ गया है। बंगाल में स्थित कोलकाता बंदरगाह देश का सबसे पुराना ऑपरेटिंग बंदरगाह है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1870 में इसका निर्माण किया था। बंगाल में मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा अब पूरे देश में मनाई जाती है। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले बंगाली लोग वहां भी बड़ी धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाते हैं। बंगाल की खाड़ी से लेकर हिमालय तक पश्चिम बंगाल में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहां की तारीफ करते सैलानी नहीं थकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरवन भी इसी राज्य में स्थित है। सुंदरवन में लोग रॉयल बंगाल टाइगर देखने के लिए भी आते हैं। कोलकाता में घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, जैसे साइंस सिटी, निक्को पार्क, फन सिटी, विक्टोरिया मेमोरियल, तारामंडल, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, हावड़ा ब्रिज आदि। कलिम्पोंग और कुर्सेओंग जैसे हिल स्टेशन भी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले रसगुल्ला का आविष्कार बंगाल में ही हुआ था। बताया जाता है कि नबीन चंद्र दास नाम के एक हलवाई ने सबसे पहले रसगुल्ला बनाया था, जो देखते ही देखते पूरे देश में फेमस हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। साल 1806 में इस बैंक की स्थापना बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से हुई थी। बैंक ऑफ कलकत्ता को भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना कमर्शियल बैंक बताया जाता है, जो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से सेवाएं दे रहा है। ये थी दोस्तों पश्चिम बंगाल के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। पश्चिम बंगाल के बारे में कौन सी बातें आपको सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप में से कौन कौन पश्चिम बंगाल से हैं? क्या आप कभी पश्चिम बंगाल गए हैं? अगर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।